मेरा सर नाम मनीष चौहान है सर, मैं कक्षा 12वीं कक्षा तक पढ़ा हूँ। 2008 में मैंने 12वीं कक्षा पास कर ली थी। उसके बाद में मैं नौकरी के लिए काफ़ी परेशान में रहा और उसके बाद में मैंने कई छोटे मोटे कामकाज भी किए थे। गाने, भजन, फिल्मी गाने वगैरह भी मैं गाता हूँ, प्रोग्राम अनाउंस करता हूँ, सब करता हूँ। तो इस जरिए मेरा पैसा कमाने का साधन था। माता पिता ने भी हेल्प उस समय की। मेरी मम्मी का नाम भारती चौहान है, पिताजी का नाम जयंतीलाल चौहान, अंकित चौहान और मैं मनीष चौहान यहाँ पर नापतोल विभाग में भृत्य के पद पर जो है विगत 2.5 वर्ष से काम कर रहा हूँ। और यहाँ के पहले जो अनुभव रहा मेरे को सभी ने सहयोग करा है, बड़े बाबू से लेकर के सभी लोगों ने, स्टाफ कर्मचारी और सभी ने मेरे साथ दिया है। इस वजह से मैं ये काम कर पा रहा हूँ। पहले नागराज चौक पर ऑफिस था ही पुराना, मार्बल सिटी के पास में, वहाँ पर भी मैं अकेला बैठा रहता था। तो सर ने बोला, बेटा भले काम नहीं करो, घुमा फिरा करो, थोड़ा तो आपको नॉलेज रहे यहाँ का। वो नॉलेज के ज़रिए फिर मैंने काम करना शुरू किया। धीरे धीरे छोटा छोटा सा काम मेरे को देते गए, मेरे ऊपर बर्डन नहीं रखा और मैं अच्छे से काम करता गया। और यहाँ पर भी करीब 1.5 साल मेरे को यहाँ पर हो गया। सारी जगह से वाकिफ हो चुका हूँ कि यहाँ पर कहाँ पर सीढ़ी है, कैसे चढ़ना उतरना है, कहाँ पर लेटरिन बाथरूम में पानी आने की व्यवस्था कहाँ पर है। साहब को सुबह आते से 10:30-11 बजे सारी टेबलों पर कपड़ा लगाता हूँ। हाँ बताइए। मेरे पिताजी मुझे साइकिल से लाना ले जाना करते थे। पूरी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मुझे सरकार से सहायता भी मिली। विकलांग का मुझे 150 रुपये पर महीना मिलता था उस समय। और फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न आता था तो हमारे ब्लाइंड की कुछ संस्थाएं वहाँ से भी मुझे पैसा प्राप्त होता था छात्रवृत्ति के रूप में। और उसके बाद में फिर मैंने पढ़ाई ख़त्म करने के बाद में मैं डिप्रेशन में थोड़ी देर के लिए आ गया था कि मैं आज तो मेरे माता पिता है तो कोई दिक्कत नहीं मुझे, कल उठ के अगर भाई भाई में ना बनी और ऐसा हो जाए कभी तो प्रॉब्लम मेरे को क्रिएट होगा। तो फिर पैसे के लिए मैंने गाने बजाने का साधन ढूंढा और फिर मूंगफली, मोमबत्ती, अगरबत्ती, फिनाइल वगैरह सब बेची। स्टेशनों पे मूंगफली बेचता था, डाकघरों में लिफाफे बेचने जाता था, बने बने तैयार अगरबत्ती गली गली में घूम घूम के बेचता था, मोमबत्तियाँ बेचता था। और माता पिता मुझे थोड़ी बहुत हेल्प करते थे क्योंकि वो लोग सुबह 10:30-11 बजे से ड्यूटी चले जाते थे। पापा 6:30 बजे से ड्राइवर हैं स्कूल में, गुजराती स्कूल, प्राइवेट स्कूल में इंदौर में, तो वहाँ पर उन्होंने काम किया। तो उनके जाने के बाद में मैं सारे काम करता था ताकि मैं अपने आप को फ्री अगर रखूँगा और मन में अगर अकेलापन रहेगा, दिखता तो वैसे ही नहीं सर, तो मन चारों तरफ भटकता था सर मेरा उस समय में, तो मैं काफ़ी डिप्रेशन में आ जाता था। इसलिए मैं अपने आप को खुश रखने के लिए मैं ये करता था। उस पैसों से मैं अपने गवर्नमेंट फॉर्म भरता था। तो इसमें ईश्वर ने मुझे कामयाबी अता की सर। और मेरा यहाँ पर इंटरव्यू हुआ था जबलपुर में, मार्बल सिटी के पास में SDM साहब आए थे और दो साहब थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था और मेरा चुनाव उन्होंने किया था। 28 जून को मैं यहाँ पर ज्वाइन हुआ था, 21 जून को मेरे पास में लेकर आया था 2014 में।